सो हेटे किस, अगर आप भी अंडर 20,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट आईक्यू का स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, तो मैंने आज आपके लिए इस बजट में कुछ बेस्ट आईक्यू के स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है, जहां पे आपको पावरफुल गेमिंग 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, अच्छी खासी टॉप नॉच लेवल की स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, जैसे कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, अच्छी खासी बैटरी लाइफ, अच्छा खासा डिजाइन, और जो आईक्यू है ना वो ज्यादातर परफॉर्मेंस यूजर और गेमिंग यूजर्स को ही टारगेट करता है। तो अगर आप भी इस बजट में कोई सा एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, या फिर गेमिंग के साथ साथ आपको कैमरा और ओवरऑल एक बेस्ट स्मार्टफोन भी चाहिए था, तो मैंने आज आपके लिए सिलेक्ट किए हैं टॉप 3 बेस्ट आईक्यू स्मार्टफोन्स अंडर 20,000, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। वैसे बेस्ट तो है, इसका सब्सक्राइब बटन भी है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप अपनी नीड और बजट के अकॉर्डिंग अपने लिए एक बेस्ट आईक्यू स्मार्टफोन को सिलेक्ट कर पाए। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी लिस्ट नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है आईक्यू की तरफ से IQOO Z6। आप IQOO Z6 5G या फिर IQOO Z6 4G अपनी नीड के अकॉर्डिंग दोनों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। वैसे अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए जहां पे आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाए, तगड़ी स्पेसिफिकेशन हो, तो IQOO Z6 5G आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। या फिर अगर आपको डेली डे टू डे यूजर्स के लिए, मीडियम गेमिंग के लिए, या फिर वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आप IQOO Z6 4G के साथ जा सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं IQOO Z6 4G के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां पे आपको 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। ये एक ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है। 180Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा। 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जो कि इस बजट रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाता है। नॉर्मल डे टू डे टास्क में, मीडियम लेवल तक की गेमिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, फ्रंट टच ओएस 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 44W के फास्ट चार्जिंग को। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा और तीसरा कैमरा 2+2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ शूटर हैं। फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड मिल जाते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा गेम मोड मिल जाएगा, रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट भी है, LPDDR4S की रैम मिल जाएगी, UFS 2.2 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन 3 वेरियंट के साथ आता है, जिसमें से जो बेस वेरियंट है 4GB रैम प्लस 128GB रोम वाला 14,499 रुपीज में। और अगर आप IQOO Z6 5G वाले स्मार्टफोन को परचेस करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रोसेसर तो अच्छा देखने को मिलता है, पर उसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन है वो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। जैसे कि चार्जिंग स्पीड कम मिल जाएगी, IPS डिस्प्ले है और डिजाइन भी इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। बात कर लेते हैं IQOO Z6 5G के प्राइसिंग की, तो उस स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 15,499 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है IQOO की तरफ से IQOO Z3। हालांकि इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च हुए थोड़ा सा टाइम जरूर हो चुका है, पर स्टिल अगर आप अंडर 20,000 या फिर अंडर 18,000 के बजट में एक बेस्ट आईक्यू के स्मार्टफोन को ढूंढ रहे हैं, तो IQOO Z3 आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है, जहां पे आप अच्छी खासी हेवी लेवल तक की गेमिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा कैमरे की क्वालिटी मिल जाती है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां पे आपको 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक HDR10 वाली डिस्प्ले है। 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 768G वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पे आता है, फ्रंट टच ओएस 11 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4400mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 55W के सुपर फास्ट फ्लैश चार्जिंग को। बात करें कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 4K तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा 60fps पे। सुपर स्लो मोशन पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, अच्छे खासे कैमरे की क्वालिटी है और बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड भी मिल जाते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको 5-layer लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट है, LPDDR4S की रैम मिल जाएगी, UFS 2.2 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो करंटली इस स्मार्टफोन की जो बेस वेरियंट की प्राइसिंग चल रही है 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाले वेरियंट की, वो आपको देखने को मिल जाती है 19,990 रुपीज में। हालांकि प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, आप अगर थोड़ा सा वेट करके सेल में या फिर बैंक ऑफर में इस स्मार्टफोन को परचेस करते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपको अंडर 18,000 में आराम से देखने को मिल जाएगा।
बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर वन पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है आईक्यू की तरफ से आईक्यू जी सिक्स प्रो या फिर आईक्यू जी फाइव। आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं और इस स्मार्टफोन को अंडर 20,000 के बजट में मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो 20,000 से अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या फिर जिनके पास बैंक ऑफर अवेलेबल है या फिर थोड़ा सा वो वेट कर सकते हैं सेल का, जहां पे ये स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 या फिर 21,000 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। आईक्यू जी फाइव और जी सिक्स प्रो दोनों के स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात कर लेते हैं IQ Z6 Pro के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.44 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये एक वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा 1300 nits की पीक ब्राइटनेस है और कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, फंटा चॉइस 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4700mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 66W के फास्ट फ्लैश चार्जिंग को। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 4K तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड भी हैं। और अगर बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा, 4D गेम लीनियर वाइब्रेशन मोटर है, एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट है 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वो आपको देखने को मिल जाएगा 23,999 रुपीज में। प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, अगर आपके पास बैंक कार्ड अवेलेबल है तो आप बैंक कार्ड में इस स्मार्टफोन को और भी कम प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं सेल का, जहां पे इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग आपको और भी कम देखने को मिल जाएगी। बाकी G6 Pro में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं मिलता है, तो अगर आपको 3.5mm हेडफोन जैक वाला ही स्मार्टफोन चाहिए तो सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको IQ Z5 मिल जाएगा। हालांकि वहां पे आपको एक IPS डिस्प्ले मिल जाती है, बाकी उसके अलावा जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन तो IQ Z6 Pro ही रहेगा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे लिस्ट के टॉप 3 बेस्ट IQ स्मार्टफोन्स जिनके प्राइसिंग आपको अंडर 20-21,000 के बजट में देखने को मिल जाती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग किसी भी IQ स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। बजट के अकॉर्डिंग आपको कोई भी IQ स्मार्टफोन डिसअपॉइंट करने वाला बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।